हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं थर्ड सेमेस्टर जो कि 2018 में ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, यह आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। इसमें इलेक्ट्रिशियन को छोड़कर और सारे ट्रेड इसमें हैं इस ड्राइंग में। एक बात और है, ये जो क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये टोटल इंग्लिश में आते हैं। इसमें हिंदी का कोई चांस नहीं है, हिंदी में ये ड्राइंग पेपर देता ही नहीं है, ये टोटल इंग्लिश में आते हैं। तो इसमें सारे ट्रेड दिए हुए हैं, आप सारे ट्रेड देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें ट्रेड कोड दिया हुआ आप भी देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी देखिए 2018 का दिया हुआ है और इसमें 75 मार्क्स है। ये देखिए साफ साफ दिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर, यह 4 घंटे के पेपर होते हैं जो कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं और इंग्लिश में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसमें नोट में लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी पूरे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का एक अलग मार्क्स हो, अपना एक अलग अलग मार्क्स है और जो कि पूछा गया है। तो पूरे क्वेश्चंस आपको, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी स्केचिंग, यानी कोई जो भी ड्राइंग बनानी है वो फ्री हैंड बनानी है, कोई डायमेंशंस आपको नहीं देनी है, यानी आपको फ्री हैंड स्केचिंग बनानी है। तो ये 15 मार्क के हैं, यानी तीनों क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, तीनों क्वेश्चंस ए बी सी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ए बी सी आते हैं। तो आपको तीनों पांच पांच नंबर के, हर एक क्वेश्चंस 5 नंबर के हैं इसमें के। तो ए क्या पूछा हुआ है, वुडरफ की, यानी वुडरफ की पूछा हुआ है। तो इसमें डायमेंशन देने नहीं है, और इसकी डायमेंशंस नहीं देने हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वुडरफ की देखते हैं कि किस टाइप के वुडरफ की बनाते हैं। ज्यादा झंझट नहीं करने का, बस बनाने का और उसका देखिए। ये हमारा ओडरफ की, पहले क्वेश्चंस का ए है ओडरफ की, कुछ इस तरह से आपको बनाकर, कुछ इस तरह से आपको एल लंबाई, डी व्यास, एच ऊंचाई, आपको इस तरह देकर ओडरफ की कुछ इस तरह 5वें में ये कैपिटल लेटर में आपको लिखने होंगे। अगर ये कैप स्मॉल है तो ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल होंगे, ठीक है। इसको आपको आंसर क्वेश्चन नंबर का इस तरह लिख कर आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं। आपको इसमें कोई डायमेंशन नहीं, अगर जगह नहीं है छोटा ही बना सकते हैं, वो नंबर दे देगा। एक बात और है, इसको आप कुछ इस तरह से शेडिंग ना करें, ड्राइंग में कभी शेडिंग नहीं किया जाता है। आपको एक्यूरेट, आपको कुछ इस तरह से बनाकर और लंबाई व्यास और हाइट आपको कुछ इस तरह से डायमेंशन देने के बाद ओडरफ की बना देंगे, तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, पूरे 5 नंबर इसमें आपको दे देगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है पेन हेड रिबेट, यानी जो उसका हेड होगा ये पेन के आकार का होगा। और रिबेट क्या होता है, किसी भी दो धातु को जोड़ने के लिए या कुछ दो मेटल को जोड़ने के लिए हम रिबेट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आंसर, तो जो पेन हेड रिबेट है वो हमारा अलॉय होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा दिया होता है। तो ये जो डायमेंशन हम दिए हैं ये एक्यूरेट हम नहीं बनाते, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, बाकी बुक के हिसाब से हमें ये सारे आपको लिखने होते हैं, क्योंकि इतने के अंतर्गत हमारे जो भी पेन हेड रिवेट बनाए जाते हैं कुछ इतने के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं, और इतने के अंतर्गत ही हमारा बनाया जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से डायमेंशन आपको एक्यूरेट देना है, और डी इसकी हाइट आपको भी दे देनी है, और इसकी व्यास यहाँ पर दिया हुआ है तो चाहे पे यहाँ पर आपके दे सकते हैं। ये हमारा पेन हेड रिवेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। और इसको बनाने के बाद इसको आप 5 mm के अंतर्गत आपको पेन हेड रिवेट जरूर लिखें, सारे 5 mm के हैं mm में लिखें, ओके। और ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, कैपिटल डी इसलिए क्योंकि इसकी और इसकी लंबाई हम दर्शाए हैं, और स्मॉल डी इसलिए क्योंकि इसकी इसकी हम लंबाई
दर्शाए हैं। ये हमारा हाइट है जो इसकी इसकी हम दर्शाए हुए हैं। तो आपको कुछ इस तरह से बनाकर इसके सेंटर जरूर लगा, इसका सेंटर जरूर ज्ञात करें। अगर सेंटर नहीं रहेगा तब पर भी नंबर आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट। जो रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट है कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो कि इसमें डायमेंशन जो भी दिया हुआ है डायमेंशंस उसी डायमेंशन हिसाब से हमारे रैग फाउंडेशंस बनाए जाते हैं। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप जो भी है वो कुछ इस तरह से आपको दर्शाने हैं। इसमें भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर कोई भी और इसमें जो कंक्रीट वंक्रीट जो पड़ा हुआ है उसमें आपको पूरे जो भी लिखा हुआ 5 mm में लिखने हैं, और उसे जिस तरह बना है इस डायग्राम में आपको उसी तरह बनाने हैं। अगर इस तरह आप बनाते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर एग्जाम अपना जरूर देगा। एक बात और है, आप नीट एंड क्लीन बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिटाने की कोशिश ना करें। पहले हल्के हाथों से ड्राइंग को बनाए, इसके बाद उसको डार्क कर दें। अगर हल्के हाथों से बनाएंगे तो उसको मिटाया जा सकता है, वो निशान नहीं पड़ेगा पेज पर, ड्राइंग या शीट पर। तो ये हमारा रैग बोल्ट है, रैग टाइप बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट जो फाउंडेशन में यूज किया जाता है। तो चलिए ये मेरा रैग बोल्ट हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द असेंबल ऑफ वी ब्लॉक विथ क्लैंप। देखिए ड्रॉ द असेंबल यानी जो भी वी ब्लॉक है विथ क्लैंप। वी ब्लॉक जो होता है वो क्लैंप यानी गोल रॉड को पकड़ने के लिए होता है। तो वी ब्लॉक यानी जो वी आकार का हो, तो उसे पकड़ने के लिए हम गोल रॉड को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, और क्लैंप का प्रयोग कसने के लिए करते हैं कि वो घूमे ना, तो जिसमें हम कार कर सकते हैं। तो हम वी ब्लॉक विथ क्लैंप कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। इसमें आपको क्या है डायमेंशन देने नहीं है, बस आपको पूरे आपको सेट स्क्वायर से ये बनेगा, जो भी ये बनेगा वो सेट स्क्वायर के सहायता से हमें बनाने होते हैं। जो इसके नाम होते हैं, हैंडल होता है, सी क्लैंप होता है, वी ब्लॉक होता है, ये कितने डिग्री का है, सब आपको लिखने होते हैं। इसमें स्लॉट भी कटे होते हैं और राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में स्लॉट कटे होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे। स्लॉट वो सी क्लैंप को पकड़ने के लिए हमें प्रयोग करते हैं। तो आपको पूरे बनाने के बाद आपको पूरे इसके नाम आपको लिखने होंगे और कितने डिग्री पर ये वी ब्लॉक है वो भी आपको दर्शाने होंगे और एंगल भी दर्शाने होंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे। ये 25 मार्क्स के हैं, टोटल 25 मार्क्स है। अगर आपको कुछ इस तरह से बनाकर आप इसे पूरा नाम लिख देते हैं तो आपको 25 में 20 नंबर आपको कंफर्म आपको दे देगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ द टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ अ डबल रिवेटेड टैप ज्वाइंट जिग जैक टाइप व्हेन द थिकनेस ऑफ प्लेट इज 16 mm। यानी जो एक प्लेट का थिकनेस है वो 16 mm है, यानी जो रिवेट है जो दो प्लेटों को जोड़ते हैं वो हमें जिग जैक टाइप का है। या जिग जैक यानी वो एक एक और फिर एक क्रॉस टाइप का हमारा बनता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको कुछ इस तरह से बनाने थे, और टॉप इसका सेक्शन यानी फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और टॉप व्यू हम नीचे भी बना सकते हैं और ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसमें नीचे दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है टॉप व्यू क्या बनाना है, तो आपको नीचे भी बना सकते हैं ऊपर जहाँ आपको जगह मिले, बाकी साइड में नहीं बनाने हैं। जस्ट इसी के ऊपर या नीचे आपको बनाने के बाद आपको कुछ जो भी डायमेंशन दिए हुए एक्यूरेट इसी डायमेंशन को आपको लिखने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी डायमेंशन लिख दें, बाकी ज़्यादा डायमेंशंस आप ना ही दें क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा। ओके ये हमारा 35 मार्क्स के होते हैं। अगर एक्यूरेट आप इस तरह बनाते हैं प्लस इसके जो भी हो आप अगर नाम लिख देते हो और इसको 5 mm एक्यूरेट बनाते हो तो आपको ये 35 मार्क्स यानी जो देख लीजिए। एक बात और है, ये एक प्लेट 16 mm का है, एक प्लेट 16 mm का है। अब दोनों प्लेट ना समझ लीजिए 16 mm का है, तो दो प्लेट हमारा 16 और 16 mm का होगा।
जो एक होगा हमारा दिखेगा रिवेट और एक रिवेट नहीं दिखेगा, इसी को हम जिग जैक टाइप हम कहते हैं ज्वाइंट, जिग जैक टाइप ज्वाइंट हम कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। ओके तो आप इसी टाइप को आप बना सकते हैं ऊपर नीचे। आप ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का ड्राइंग का पेपर था, जो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो आप इस टाइप के ड्राइंग आप बना सकते हो, क्योंकि जो 2018 के पेपर में आया था इसमें एसमेट्रिक व्यू नहीं दिया हुआ था, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए नहीं दिया था। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए भी आता है, यानी 2018 में जो भी क्वेश्चन दिया है वो आइसोमेट्रिक छोड़कर जिग जैग टाइप को रिवेट ज्वाइन दे दिया था, जो कि 35 मार्क्स से हैं, और वो आइसोमेट्रिक व्यू 35 मार्क्स के आते हैं, और इसमें असेंबलिंग व्यू भी आते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होता है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हेल्प मिला या आपको कुछ जानकारी हुआ कि नहीं हुआ। प्लस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट प्लीज़ शेयर करें और हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर